शुभ सकाल ओडिशा आपण मानको आम चैनल रे स्वागत। चलंतु जानिबा देश विदेश तथा राज्यर 30 गुरुत्वपूर्ण खबर। सबु जिल्ला रे खोलिबो सेंट्रल बैंक, समवाय क्षेत्र रे आसीबो संस्कार। समवाय क्षेत्र रे आसीबा संस्कार नूतन जातीय समवाय नीति पै किछि प्राथमिक प्रस्ताव दैछंती ओडिशा सरकार। परवर्ती समय रे पक्का प्रस्ताव दिया जीवो। भारत सरकार ए दिगरे किछि प्रस्ताव मागीथिले। समवाय अनुष्ठान गुडी को किपरे आर्थिक दृष्टि रु स्वच्छ स्वावलंबी होई परिबो से संपर्कित प्रस्ताव दिया जैथिबानि सूचना दैछंती समवाय मंत्री तथा अतन सभ्यसाची नै। सेपर साधारण चाषी किपर सहजरे ऋण पाइपारे विकेन्द्रीकरण से प्रस्ताव मध्य दिजाई। धामरा रे बुड़ीला माछधरा ट्रल, अल्पके बर्तिले सात जन मत्स्यजीवी। गभीर समुद्र बुड़ी जाइछि माछधरा ट्रल, अल्पके बर्ति जाइछन्ते सात जन मत्स्यजीवी जीवन। धामरा गभीर समुद्र मझे बुड़ी जाउथवा एक माछधरा ट्रलर धामरा बंदर कर्मचारी उद्धार करिसन्ते। ट्रलर रे सात जन मत्स्यजीवी थिबाबेले समस्त सुरक्षित रहिसन्ते। सेमाने होइछन्ते राजू जेना, रजनीकांत, संदीप सिंह, हरिन अल्लू सिंह, सुभाष मंडल, एसकल दुर्दूर एवं नंदलाल गुटिया बोली मध्य जनापड़िछि। सतर्क जारी कला इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग। देशर साइबर क्राइम बढ़ुवा बेले 5G नाम से चली फ्रॉड। लोकों निकट में 5G नाम से विभिन्न लिंक एवं कॉल पहुंचाइवा सहित सेमानको ठकिबा लागि उद्यम करा जाउछि। अजणा व्यक्ति आसुथिबा फोन कॉल को ब्लॉक करिवार आवश्यकता रहिछि। कॉल गुड़ी को ग्रहण कर से अनुसार पदक्षेप नेले ठकामीर शिकार होवार आशंका रहिछि। एहाकु नै ओडिशा सरकार इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करिछन्ति। कमिश्नरेट पुलिस जारी कला निर्देशनामा। 2 वर्ष पर राजधानी रे फुटिब बाण, एथिपे बाण फुटाइबा ठारु बिक्री जे सबुटे उत्साह रहिछि। एथर राजधानी रे विभिन्न अंचल 30 स्थान रे बाण बिक्री पै सबुज संकेत देइछन्ते कमिश्नरेट पुलिस। केवल स्वीकृति प्राप्त दुकानी बाण बिक्री करि परिबे बोले स्पष्ट भाव रे दर्शा जाइछि। जदि कोनसी व्यक्ति बेआइन बाण बिक्री करथवार नजर आसे ताहेले 7077799111 नंबर रे जोगाजोग करबा को पुलिस मध्य कहिछि। या छडा अग्निशम नियमावली को कड़ाकड़ी मध्य पालन करा जिवो बोले पुलिस पक्षर कहुछ। शांति श्रृंखलार दीपावली पालन करने को राजधानीवासी को अनुरोध करते कमिश्नरेट पुलिस। श्रीमंदिर और उन्नतिकूल कार्यर समीक्षा कले 5T सचिव। आज सका 5T सचिव भिके पांड्यान पुरी गस्तरे आसी महाप्रभु को दर्शन करते पुरी में पहुंचा पर श्रीमंदिर जाए महाप्रभु को दर्शन करते यापर बेढ़ा परिक्रमा विमला मंदिर, बट गणेश, बेढ़ा काली, सूर्य मंदिर, लक्ष्मी मंदिर दर्शन बाष्प देवादेवी दर्शन सहित श्रीमंदिर आउ कौन उन्नतिमूलक कार्य हो पार से अनुधान करिसंती। पत्नी तथा मिशन शक्ति सचिव सुरास सुजाता आर कार्तिकेय मध्य महाप्रभु को से दर्शन करिसंती। 12 घंटे अवपातर रूप नब लघुचाप। वेल मार्क लो प्रेसर परिणत हो लघुचाप 12 घंटा भितर नब अवपातर रूप। उत्तर पश्चिम पर उत्तर दिगरे गति कर 23 तारीख गभीर अवपातर परिणत हो। 24 तारीख में केन्द्रीय बंगोपसगर घूर्णवात्या होगा सहित प्रबल गोटाई सीभर स्नालिक रूप नवारे लगी। 25 तारीख में यह पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकट में जा पहुंचा IMDG यार पूर्वानुमान कर। स्टेट बैंक दीपावली उपहार, EFD उपरे बढ़ला सुध हार। दीपावली पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यार ग्राहक को बड़ उपहार देती। बैंक खास अवधि पर फिक्स डिपोजिट बा FD उपर सुधदर 0.8% पर्यंत बढ़ाई देती। स्टेट बैंक वेबसाइट अनुजाई भिन्न भिन्न अवधि पर नेउथवा EFD दर 0.25% रु नै 0.8% पर्यंत बढ़ाई दिया जाइछि। नूतन दर 22 अक्टूबर तथा आज ठारु मध्य लागू होइ जाइछि। तेबे चलत सप्ताह बैंक द्वितीय थर FD दर वृद्धि करिसंती। एहि समय किछि खास अवधि जमा करथवा पर 0.9% पर्यंत मध्य एहा बढ़िछि। चाकरी देबा आगरे मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेलार शुभारंभ करिसंती। यह अनुजाई समारोह 75,000 नवनिजुक्त कर्मी को निजुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। ए कार्यक्रम द्वारा 2023 डिसेंबर सुधा 10,00,000 निजुक्ति देवाकु लक्ष्य रखिसंती। मनोनीत होइथवा कर्मचारी को भारत सरकार को 38 मंत्रालय एवं विभाग रे निजुक्त करा जिवो। तेबे एहा त थिला सरकारी क्षेत्र कथा। बेसरकारी क्षेत्र कथा कहिले चाकरी देबा एवं बीमा क्षेत्र सबुरी आगरे रहिछि। एबे मध्य सबुटे अधिक चाकरी मुंबई सहर मध्य दिया जाउछि। काशीनगर अंचल विपुल चंदन काठ जबत। काशीनगर अंचल विपुल चंदन काठ जबत होइछि। आंध्र सीमांत अंचल पेट्रोलिंग करथुवा बेले सीतापुर गांव एक सीमेंट गोदाम रु चंदन काठ जबत करिछि पुलिस विभाग।
मामलें दुई जन को गिरफ्त कर अभियुक्त होती अमन देव मंडल और गोदाम मालिक जनार्दन चिरती जबत काठर मूल्य लक्ष अधिक टंका हेबोले अनुमान करा एगुड़िक गुंफा जंगल चोरी कर ब्रह्मपुर और आंध्रप्रदेश को चुलाण करा विभाग पक्ष जानवाक मिली जंगल विभाग अधिकारी अवगत कर पुनरुद्धार हो सुक पाइका नदी जलसेचन और प्राकृतिक जैव परिवेश विकास क्षेत्र में अनेक पदक्षेप भाव कटक जिला अंतर्गत महानदी डेल्टार सुक पाइका नदी पुनरुद्धार हो स्थानीय भाव मृत नदी भाव जनाशुना नदी खुब शीघ्र पुणी जीवंत और चलचंचल हो इतिमध्ये मुख्य शासन सचिव तथा श्री सुरेश चंद्र महापात्र अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तर बैठक में संपर्कित एक प्रकल्पर अनुमोदन पश्चिम ओडिशा नौटी प्रकल्पर लोकार्पण कले मुख्यमंत्री पश्चिम ओडिशा नौटी प्रकल्प लोकार्पण करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आ नौटी प्रकल्प पर भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि लोकार्पित नौटी प्रकल्प पर 14.69 कोटी टंका विनियोग होता बेले भित्तिप्रस्तर रखी नौटी प्रकल्पर मूल्य 33.68 कोटी टंका रखी समुदाय प्रकल्प पर 48,037 कोटी टंका विनियोग लोकार्पित होता प्रकल्प गुड़िक स्कूल कल्याण मंडप स्पोर्ट कम्प्लेक्स आदि विकास सहित कोमना ठारे एक मिलेट प्रक्रिया प्रकल्प रही छोटे गुरुत्वपूर्ण मोहर बाजिला कैबिनेट रो मोहर छोटे गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव रे बाजी कैबिनेट रो मोहर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार बसीथिबा बैठक रे भेटरीनारी सर्विस रूम रे संशोधन को मंजूरी मिलिछि आग को साक्षात्कार हटाई केवल लिखित परीक्षा बा ओपीएससी माध्यम रे करा जिवे भेटरीनारी असिस्टेंट सर्जन भावे केवल लिखित परीक्षा हेबो अन्यपटे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे द्वितीय विचार विभागीय वेत कमिश्नरेट को सुपारिश दरमारे मध्य दरमा मिलिबो एथिलागी 93 कोटी टंका अतिरिक्त खर्च करिवे राज्य सरकार ओडिशा छुईबो नाही धमरा ठारु 200 किमी दूर रे जीवो संभाव्य बात्याकु ने स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर को सांबादिक सम्मेलन घटी एसआरसी प्रतीप जेना यानी ओडिशावासी को सतर्क एवं आश्वस्त करिसेंति लघुचाप क्षेत्र परिणत होई आसंता काली सुधा ता अवपादर रूप नेब 23 अक्टोबर सुधा तीव्र अवपादर रूप नेब 24 बेलकु सामुद्रिक झड़र रूप नेब उत्तर पूर्व दिग को गति कर सामांतराल भाव समुद्र भितर यह गति कर 25 तारीख सुधा स्थल भाग छुई पार जहाँ पश्चिम एवं बांग्लादेश निकट यार माड़ हेब भुवनेश्वर में महिला को मिले भेंटिंग जोन बीएमसी पक्ष प्रतिष्ठा हो महिला स्वतंत्र भेंटिंग जोन मेयर सुलोचना दास को नेतृत्व में गठित टीम स्थान चिन्हट कर सीआरपीएफ छक विस्तृत जमी को चिन्हट कर अनन्य 50 दुकान व्यवस्था रहिबो महिला एसएसजी द्वारा पोस्टर सामग्री बिक्री बंटा पर स्वतंत्र बाजार उपलब्ध हो महिला सशक्त करने को मुख्यमंत्री प्रयास सहायक हो प्रकल्प जमापड़ी महिला सशक्तिकरण दिगरे मुख्यमंत्री अनेक कार्य कर 75,000 युवकों को निजुक्ति देले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशर युवकों को दीपावली अवसर बड़ उपहार प्रदान कर प्रधानमंत्री भर्चुआल मध्यम 10,00,000 युवकों को चाकरी रे चाकरी देवा पे रोजगार मेलार शुभारंभ कर प्रथम पर्यायर बछा जाइवा 75,226 जन युवक को निजुक्ति पत्र दिजाई अवसर पीएम मोदी कहते जे सरकारी चाकरी केवल सेवा नुहे बर संपूर्ण तत्परता और प्रतबद्धता सहित देश सेवा करने देश काम कर अवसर रही प्रधानमंत्री कहते चलित बर्ष अयोध्या खूब खास रे हेबो दीप महोत्सव एथर अयोध्या दीप महोत्सव अत्यंत स्वतंत्र रही यह दिन को ऐतिहासिक करने प्रयास जोरदार चली रामायण 15 स्वागत द्वार को दीपोत्सव को सुंदर चमत्कार करिवारे पोस्त होउछि राम परिवार निषाद राज अहिला नाम गेट निर्माण कर तृतीयार ऐतिह सहित साक्षात्कार करा जीव अन्य पक्षरे सूर्य तटरे थिबा बाली उपरे रामायण सुंदर चित्र मध्य अंका जाइछि बाली माध्यम रामायण चरित्र चित्र अयोध्या रे मध्य सेठारे दर्शा जीव युक्रेन रूस युद्ध रे पूरा विश्व सुनिला भारत रो बार जारी रहिछि रूस एवं युक्रेन रो युद्ध ए युद्ध रो प्रभाव समग्र विश्व रे उपरे मध्य पड़िछि पुटिन मध्य युक्रेन उपरे कठोर आभिमुख्य ग्रहण करछन्ति पुटिन परमाणु आक्रमण धमक मध्य दैछन्ति तेबे यहारे मध्य रे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे भारत उपस्थायी प्रतिनिधि आंबासाडर तथा आर रवींद्र रुष एवं युक्रेन मध्य चलुवा संघर्ष वर्तमान परिस्थिति को ने भारत स्थिति को मध्य से स्पष्ट करिसेंति सेंट्रल कमिटी हटिले पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा ली केकिया चीन कम्युनिस्ट पार्टी 20वां कांग्रेस रे पूर्वतन राष्ट्रपति को नाटकीय ढंग से बाहर कर दिया जाइछि एक घटनार वीडियो एवं सारा देश में वायरल होउछी सी जिनपिंग को द्वारा तृतीयबार राष्ट्रपति करिबा पे अनुष्ठित कांग्रेस समापन दिवस अवसर यह घटी
ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୁ ଜିଆନ୍ଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟାରି ନେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 30 ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍। ଉଭୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ବା DGCA। ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ୍ କ୍ଷମତାରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ DCA ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ DCGA ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, କଟକଣା ଉଠାଇଛନ୍ତି DCGA, ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହିତ ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରିବ। ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଅଗ୍ନି ତଥା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପସ୍ଥିତ ଲଞ୍ଚରଠାରୁ ସକାଳ 9:45 ଏହି ଦୂରଗାମୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବତାସ ବୋହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମ୍ଭାବିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅଫିସ। ଅକ୍ଟୋବର 25 ସରକାରୀ ଛୁଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟିର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଦିନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଦି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଖି ବୁଜିଲା ନନ୍ଦନକାନନର ଧଳା ବାଘୁଣୀ ବିଜୟ। ଆଖି ବୁଜିଛି ନନ୍ଦନକାନନର ଧଳା ବାଘୁଣୀ ବିଜୟ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଘୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ OUET ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଦଳ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ବିବେଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 25 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସପ୍ତାହରେ ଥରଟିଏ ଜେଲ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଗିରଫ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତାହରେ ଥରଟିଏ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଜେଲ୍ରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମିନିଟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଜେଲ୍ର ମହିଳା ୱାର୍ଡର କିଛି ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହିଳା ୱାର୍ଡରେ ଥିବାବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନୂତନ ପ୍ରାଚୀରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲୀପ ବରାଳ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁମତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହା ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଆସାମ ଆକ୍ଟ ତଥା 1955 ଆକ୍ଟକୁ ଖୋଳାଖୋଳି ଭାବେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷିଆ ବୟସ୍କା ମେଲାନି ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ସର୍ଗିଓ ମାଲାଟେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେ କରାଇଛନ୍ତି। ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ମିଳିଲା 100 କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ବ୍ରିଟେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ପେନି ମୋନାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୌଡ଼ରେ ସୁନକ ମଧ୍ୟ ମାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। 170 କିମି ବ୍ୟାପ୍ତ ମେଘା ସିଟି ନିୟମ ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ ବାଲି ମରୁଭୂମି ଭାବେ ଜଣାଯାଉଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ କିମ୍ବା ଓଢ଼ଣାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଘା ସହର ଲାଗି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହାସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 170 କିମି ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏହି ବିଶାଳ ସହର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଘା ସହର ନାମ ନିୟମ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଜୁ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଚାଇନା ରୁଷିଆ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେରିକା ସେନା।
कहुए जे विश्वर सबुठ शक्तिशाली देश हूँ आमेरिका तेरे विश्व स्तर यह देश आर्थिक अवस्था खूब मजबूत बोली प्रतिरक्षा मामलें आमेरिका सेना गोटे युद्ध जितबार क्षमता रखी ना कूचना आमेरिका शक्ति सेना उपर आधारित एक रिपोर्ट में कहुई रिपोर्ट अनुजाई आमेरिका सेनार जवान चाइना और रुषिया संभावित विपद सहित लड़ाक बहुत दुर्बल रही युद्ध जितबाक पेंटागन सेना को संघर्ष करने को पड़ो कहुच्छ आज ठार सुपर 12 राउंड मुहांमुही हे ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड सरला टी ट्वेंटी विश्वकप प्रथम राउंड आज ठार सुपर 12 मुकाबला रोचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मुहांमुही हे आसंता काली भारत पाकिस्तान मध्ये टक्कर देखा मिले वर्षा आशंका मध्य यह प्रथम मैच न्यूजीलैंड विपक्ष ऑस्ट्रेलिया पला भारी रही गत वर्ष दुबई में आयोजित 2021 20 टी ट्वेंटी विश्वकप फाइनाल न्यूजीलैंड को परास्त करथिला ऑस्ट्रेलिया। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबापई आपण मानको धन्यवाद। जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती ताहले सब्सक्राइब करंतु। प्रतिदिन देश विदेश तथा राज्यर बड़ खबर जानिबा सहित निजर राशिफल जानिबापई धन्यवाद। थैंक यू।